देखिए बिंदुओं, 3 माइनस 3 चार, 4 माइनस 5 और 2 को हमें, इनका हमें ग्राफ निरूपण करना है। तो दिए गए समतल को, दिए गए समतल के हम 4 हिस्से करेंगे। दिए गए समतल के कितने हिस्से करेंगे? 4 हिस्से करेंगे। ये जो आपका समतल है, इस समतल के हमने कितने हिस्से किए? 4 हिस्से किए। ये हमने भैया टोटल हिस्से 4 करे इसके। अब इसमें एक्स वाई, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। चलो 5 तक मैंने क्यों लिए? क्योंकि अधिकतम इसमें 5 दिख रही है आपको। अधिकतम कौन सा दिख रहा है? 5 इसमें अधिकतम है, इसलिए मैंने अधिकतम 5 लिए, है ना। अब जो पहला बिंदु आपका क्या है, पहला बिंदु क्या आपका 3 माइनस 3, पहला बिंदु क्या है 3 माइनस 3। तो ये तो हो गया आपका भुज और ये हो गया आपका कोटी। भुज कोटी, भुज कितना? 3। कोटी कितना? -3। तो भुज मतलब x, x का मान कहाँ मिलेगा? x अक्ष पे। y का मान y अक्ष पे। x कितना? 3, तो ये 3, y -3, तो इसके लिए नीचे जाओ, नीचे जाएंगे -3, ये नीचे गया मैं आपके सामने, ये नीचे आ गए हम। अब ये हमारा हो गया p और इसका नाम दे दिया हमने 3 माइनस 3। चलो फिर 4 4, तो 4 4 कहाँ? ये 4 और ये 4, तो ये 4, ये 4 और ये 4, ये हो गया 4 4 पी क्यू, 4 4 पी क्यू आर, आर में क्या? -5 और धन के 2, -5, तो ये -5 और धन के 2, तो ये धन के 2, ये धन के 2, ये धन के 2 और ये -5, तो ये पी क्यू आर, दिस इज आर। आर कितना हो गया? -5 -5 2 -5 2 -5 2। इस तरीके से हमने जो बिंदु हमें दिए गए थे उनका हमने ग्राफी निरूपण करा। और बिंदु दे दे, मान लो कभी वो लिख दे और कि भैया -2 और -3 लिख दे, इसका ग्राफी निरूपण करो। -2 -3 का ग्राफी निरूपण करना है, तो ये तो हो गया आपका x, मतलब ये x माइनस का 2 और y -3, तो ये हो गया आपका ऐसा, ये ऐसा, ये और ये, ठीक है। अब ये हो गया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस, तो ये हो गया आपका एस। एस कितना? -2 -3 -2 -3। और इस तरीके से हमने दिए गए बिंदुओं का ग्राफ निरूपण करके आपको दिखाया। इस प्रकार से हम बिंदुओं को ग्राफ पे दर्शा सकते हैं बड़ी आसानी से, सहज।